मुस्लिम समुदाय में अपने धर्म गुरु पर अभद्र टिप्पणी करने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ मुस्लिम समुदायों में आक्रोश है। बुधवार को बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़वाली चौकी पर फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रोन का पुतला दहन किया और मुस्लिम समुदाय द्वारा चेतावनी भी दी गई है कि यदि दोबारा इस प्रकार की टिप्पणी यदि हमारे धर्म गुरु के लिए की गई तो इसका खामियाजा फ्रांस के राष्ट्रपति को भुगतना होगा। बुधवार को मुस्लिम समुदाय द्वारा विरोध करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ जमकर नारे जलाया। फ्रांस का राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रोन जो कि गुस्ताखे रसूल है, इसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी थी, उसको लेके आज हमने इसका पुतला दहन किया। हम मजबूर है कि हिंदुस्तान में है, अगर हम वहाँ होते तो हम या तो इसकी जान ले लेते या इसके लिए जान दे देते। हमारे को हमारे नबी की हुरमत के लिए, उनकी पासबानी के लिए जान देने में भी कोई गुरेज नहीं है। अगर हमारे नबी के ऊपर कोई गुस्ताख रसूल गुस्ताखी करेगा तो हम इंशाअल्लाह रहमान या तो अपनी जान दे देंगे या उसकी जान ले लेंगे। हमने उस बात को यहाँ आज सांकेतिक रूप से, चूंकि हम मजबूर हैं, यहाँ से जा नहीं सकते, कोई चीज़ ऐसी कर नहीं सकते, कानून के दायरे में रहने वाली कौम है, हर काम हम कानून के दायरे में रह के करते हैं, तो हमने आज सांकेतिक तौर पे इस पूरे इलाके के सदर बाजार थाना क्षेत्र के, मतलब वार्ड क्रमांक 8 और वार्ड क्रमांक 58 के और सारे शहर के लोग, शाकिर भाई हमारे, एहतशाम भाई, अकरम भाई हमारे पहलवान, सालार पहलवान, मोहसिन भाई बम्बई बाजार, इधर सब लोगों ने मिलके आज यह पुतला दहन किया है। और इसको आइंदा अगर ये नहीं माना तो इसके खिलाफ और भी पुतले दहन हर इंदौर के हर शहर के हर चौराहे पर किए जाएंगे। जैसे ही हमको पता चला कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की, मुस्लिम समाज के अंदर काफ़ी रोष थे। आज अगर वो हिंदुस्तान के अंदर होता तो हम उसके कत्ल आम कर देते। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके लिए मुसलमान का हर एक बच्चा अपनी जान देने के लिए तैयार है, और हम ऐसे गुस्ताखे रसूल को माफ़ नहीं कर सकते। भारत के राष्ट्रपति से भी हम मांग करते हैं के फ्रांस की से संबंध तोड़े और उन्हें माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करें। भारत का हर मुसलमान फ्रांस के राष्ट्रपति को मुर्दाबाद का नारा देता है, और हमारे नबी जिन्होंने कहा है कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहो, आप बड़े आदमी बन जाओगे, उन्होंने कहीं किसी धर्म का नाम नहीं लिया, किसी समाज का नाम नहीं लिया, मतलब लोगों को फ़ायदा पहुँचाते रहो, हर इंसान को फ़ायदा पहुँचाते रहो वाले जो संदेश देने वाले नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले मैक्रोन को हम मुर्दाबाद कहते हैं, और राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति उस पर कार्रवाई करें। आपका नाम है शेख साकिर। बुधवार को मुस्लिम समुदाय द्वारा विरोध करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वार्ड क्रमांक 58 के पार्षद अनवर कादरी द्वारा बताया गया है कि जिस प्रकार फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरु पर की गई अभद्र टिप्पणी से जहां मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है, जिसके चलते बुधवार को चेतावनी देते हुए पुतला दहन किया गया। पुलिस वाला न्यूज से सिटी क्राइम रिपोर्टर संजय वर्मा की रिपोर्ट।